को असल में ऐसा प्यार मिलता भी है स्पेशली इनकी वीडियोस पे। मिड सेगमेंट में मेरे पास सारा स्टॉक है, स्मॉल सेगमेंट में एक दो कार ही है, बाकी मिड सेगमेंट में सारा स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है। गाड़ी थोड़ी मॉडिफाई भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे पिछली बार हमने एक्सप्रेस जो है ये लगे हुए हैं, टच पैनल जो है इसमें आफ्टर मार्केट जो है वो 10 इंच का लगवाया गया है। 16 मॉडल टॉप एंड गाड़ी है ये, कीलेस एंट्री, डॉक्यूमेंट सारे इसके भी अपटूडेट क्लियर है। 2016 फुल टॉप मॉडल की गाड़ी का बम्पर तक जो है ना वो भी पेंट नहीं है, ऑल ओरिजिनल कंडीशन में ये गाड़ी जो है वो जीबी कार्स में अवेलेबल है। ये कहने वाला था कि एएसआर ब्लॉग की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से अगर कोई भी यहाँ पे आ रहा है तो 15 अगस्त तक कोई भी गाड़ी हमसे ले पेट्रोल या डीजल, हम उनको जो है पेट्रोल या डीजल कोई भी होगा टैंक फुल की फैसिलिटी देंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट टैंक फुल। जम्मू में अगर आपको अपर मॉडल की और वेल मेंटेन्ड अगर गाड़ियाँ चाहिए ना तो आपको एक बार पक्का विजिट करना चाहिए जीबी कार्स में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और स्वागत है आप सभी का एएसआर जम्मू ब्लॉग्स की एक और नई फ्रेश वीडियो में। जिस तरह का प्यार आप जीबी कार्स की वीडियोस को देखते हो ना उसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया था। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका अगेन थैंक यू करना चाहता हूँ, बिकॉज मेरा फेसबुक पेज पे आप लोगों की बदौलत आज 50,000 की फैमिली जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह का प्यार जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी दें। और आज की जो वीडियो में हम स्टॉक कवर करेंगे वो हम करेंगे जीबी कार्स का, और बहुत ही बढ़िया स्टॉक है इनके पास, और हाई मॉडल की मैक्सिमम गाड़ियाँ जो होंगी वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। बलिनो से लेके आपको अगर सीडान गाड़ियों में होंडा सिटी और वरना तक की गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। बाकी आप वीडियो पूरी देखना, पूरी गाड़ियाँ हम आपको वीडियो के एंड तक दिखाएंगे, बट वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगा जीबी कार्स के ऑनर मिस्टर लाडी जी से। तो दोस्तों इस टाइम की अब जीबी कार्स के ऑनर के साथ आपको इंट्रोड्यूस किया जाए, इंट्रोड्यूस करने की खैर जरूरत तो नहीं है, आप वीडियोस पे काफी अच्छा रिस्पांस देते हो, बट फिर भी एक आपके लिए वेलकम करते हैं। वेलकम सर। नमस्कार जी, क्या हाल है अनिकेश्वर जी, और जो सारे देख रहे हैं बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत नमस्कार सबको। तो भाई जैसे सर बोल रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो आप, तो असल में ऐसा प्यार मिलता भी है स्पेशली इनकी वीडियोस पे। तो बाकी सर ज्यादा बात नहीं करेंगे, आज स्टॉक बता दो। स्टॉक खैर मैंने तो देख लिया है, काफी बढ़िया लाइनअप है आपके पास, तो कुछ एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन आप दीजिए कहाँ से लेके कहाँ तक आपके पास स्टॉक है। अनिकेश्वर, मिड सेगमेंट में मेरे पास सारा स्टॉक है, स्मॉल सेगमेंट में एक दो कार ही है, बाकी मिड सेगमेंट में सारा स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है, लाइक स्विफ्ट, बेलिनो, i20, i10, इग्निस वगैरह टाइप की सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है। हाई मॉडल की गाड़ियाँ जो होंगी वो आपको ज्यादा मिल, और एक दो गाड़ी थोड़ी मॉडिफाई भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे पिछली बार हमने एक स्विफ्ट दिखाई थी। जी जी, उसी की तरह सेम गाड़ी वैसे ही मिलेगी आज इग्निस। तो इग्निस आज दिखाने वाले हैं, तो वीडियो की शुरुआत भी जो ना वो हमें इग्निस से ही करने वाले हैं। सो दोस्तों अब बात करते हैं इस इग्निस की और अपनी वीडियो की पहली गाड़ी की, तो सर से इसकी जानकारी लेते हैं, सर क्या इन्फॉर्मेशन है। अनिकेश्वर, आज की पहली गाड़ी है इग्निस, यह है 2018 मॉडल इग्निस डेल्टा मॉडल। ठीक है, इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट जो है कम से कम 150 से 170 की रेंज में इसमें एसेसरीज जो है वो लगी हुई है। ठीक है, 2018 का ये मॉडल है। ठीक है, गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी बेहतरीन कंडीशन में है। आफ्टर मार्केट में आपको बता दूं, सबसे पहले तो इसमें आप देखिए इसमें अलॉयज और जो टायर हैं इसमें लगे हैं, बहुत ही बढ़िया अलॉय लगे हैं 16 इंच के, और योकोहामा का टायर लगा है 205/45/16 इंच में जो है टायर लगा हुआ है। अलॉय से ना इग्निस की लुक काफी लुक बिल्कुल बिल्कुल इनहांस लुक बन जाती है। उसके बाद इसमें आफ्टर मार्केट ये ग्लाइडिंग जो है नीचे ये अलग लगी हुई है इसमें, आप देख सकते हो। ओके, और इंटीरियर में आप इसमें 7D मैटिंग देख सकते हो, और ये जो साइड में है इसमें कंपोनेंट स्पीकर लगे हैं, और इसके साथ ये ट्यूटर जो है ये लगे हुए हैं। टच पैनल जो है इसमें आफ्टर मार्केट जो है वो 10 इंच का लगवाया गया है। ठीक है, बाकी अंदर से आप इंटीरियर देख सकते हो गाड़ी का, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन। डोर वाइजर्स जो है इसको आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, स्पॉइलर जो है इसको आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, उसके बाद इसमें आगे फ्रंट में HID लाइटिंग वगैरह सब कुछ आफ्टर मार्केट जो है इसमें लगी हुई है। ठीक है, तो और एक चीज़ सबसे बढ़िया बात मैं आपको बता दूँ, इस गाड़ी में एम्पलीफायर और JBL की बास ट्यूब भी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन। ये भी गाड़ी वैसी है जैसे हमने बिल्कुल बिल्कुल सेम 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 वैसी ही गाड़ी है, और एक ही ओनर की ये गाड़ी है, जिस ओनर की वो गाड़ी थी उसी ओनर की ये भी गाड़ी। तो तभी मैं देख रहा था कि सेम तरह की मॉडिफिकेशन इसमें भी हो रखी है इस गाड़ी में भी। बाकी मैं आपको बता दूं यहां से ना ड्राइवर साइड प्रोफाइल आप देख लीजिए एक बार, गाड़ी की ना लुक देख लीजिए, मतलब जो इन टायर्स की बदौलत इस गाड़ी की लुक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनहांस हो चुकी है। सर ये पेट्रोल इंजन है डीजल इंजन? पेट्रोल इंजन। सेम स्विफ्ट का, बेलिनो का, इसका सेम इंजन आता है। जी जी,
और क्या रनिंग कितनी है सर इसकी? इसकी रनिंग 43,000 के करीब है। 43,000 के करीब ही इसकी रनिंग है भाई। गाड़ी काफी बेहतरीन कंडीशन पे है। और सर डिमांड की बात करते हैं, क्या डिमांड है इसका? जो हमने आस्किंग प्राइस रखा है निकेशरो 580 की रेंज में है, बाकी ऑन टेबल जो है नेगोशिएशन इसमें हो जाएगी। और इसमें भी नेगोशिएशन बाकी, अगर कोई बैंक केस वगैरह करवाना चाहे ऑन द स्पॉट वो अवेलेबल है। आपका प्रोफाइल देख के, आपका प्रोफाइल कैसा है, बैंकिंग आपकी कैसी है, तो ऑन द स्पॉट जो है हम इसका लोन अप्रूवल करवा देंगे आपको। तो बाकी यार अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो लाडी सर का ना नंबर नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है स्क्रीन पे, आप उनको कॉल कर सकते हो इस गाड़ी के लिए भी, और भी जो आगे मैं वीडियोस में गाड़ियां दिखाने वीडियो में गाड़ी दिखाने वाला हूँ ना, तो उसकी भी क्वेरीज के लिए। बाकी आप एक बार इग्निस देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है। और अब बढ़ते हैं इस वीडियो की अगली गाड़ी की तरफ। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं इस वीडियो की अगली गाड़ी की तरफ, जो कि है टाटा की टिगोर। और बाकी जानकारी सर से लेते हैं। सर क्या अनिकेश्वर, ये टाटा की टिगोर XZ प्लस टॉप मॉडल जो गाड़ी है, ये 2019 मॉडल में ये गाड़ी है और टोटल 17,000 ये गाड़ी जो है वो चली है। डॉक्यूमेंटेशन सारी अप टू डेट क्लियर है, फुल टॉप मॉडल गाड़ी है, बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी है। और क्या रनिंग इतनी है इसकी? रनिंग 17,000 है टोटल, 17,000 सिर्फ 17,000। और पेट्रोल वेरियंट है ना? पेट्रोल वेरियंट में इसका जो आप इंटीरियर देख सकते हैं, टच पैनल वगैरह सब कुछ इसमें कंपनी फिटेड आता है। बाकी इंटीरियर वगैरह आप खुद अच्छी तरह से देख लीजिए। बाकी यार बिल्कुल बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। बाकी इंटीरियर देख सकते हो आप, ऑटोमेटिक साइड पे एसी मिल जाएगा आपको। इंटीरियर से गाड़ी काफी नीट एंड क्लीन कंडीशन में आपको ये मिल जाएगी। एक बार रियर की सीट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इस गाड़ी की रियर की सीट्स भी चेकआउट कर सकते हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में यहाँ पे रियर की सीट्स मिल जाएंगी। सर अगर बात करें इस गाड़ी की डिमांड की, तो क्या डिमांड है अनिकेश्वर? इसका जो हमने प्राइस रखा है वो 625 की रेंज में है, बाकी ऑन टेबल जो है इसमें नेगोशिएशन हो जाएगी। 6,25,000 रुपए की इस गाड़ी की डिमांड है, बाकी नेगोशिएशन जो होगी वो आपको इस गाड़ी में भी देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तीसरी गाड़ी की तरफ, जो कि मेरी फेवरेट मारुति सुजुकी की है, ब्लिनो फायर रेड कलर में। तो सर क्या डिटेल्स है इसकी? अनिकेश्वर 2016 मॉडल टॉप एंड गाड़ी है ये। कीलेस एंट्री, डॉक्यूमेंट सारे इसके भी अप टू डेट क्लियर है। 2016 फुल टॉप मॉडल की गाड़ी है, पेट्रोल वर्जन में। क्या रनिंग है इसकी? इसकी रनिंग है 39,000 और इसका जो आस्किंग प्राइस है वो 6,10,000 है, बाकी नेगोशिएशन ऑन टेबल इसमें भी हो जाएगी। तो बाकी तो पूरी डिटेल्स जो होंगे जो है वो आपको मिल गई होंगी। बाकी मैं आपको बता दूं, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो कंपनी साइड से जो अलॉय व्हील्स आते थे उस टाइम पे वो आपको इस तरह से देखने को मिलते थे। बाकी टिंटेड ग्लास जो होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और यूवी रेस की प्रोटेक्शन वाले जो ग्लास आते थे बलिनो के टॉप मॉडल में, वो वाले ग्लास है यहाँ पे। बाकी ये कुछ इस गाड़ी का आप इंटीरियर भी चेकआउट कर सकते हो। इंटीरियर से गाड़ी काफ़ी बढ़िया और नीट एंड क्लीन कंडीशन में यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों अब बढ़ते हैं इस वीडियो की चौथी गाड़ी की तरफ, जो कि ह्यूंडई की वरना। सर क्या डिटेल्स है इसकी? अनिकेश्वर 2014 मॉडल वरना है जो पेट्रोल वर्जन में। गाड़ी बहुत ही बढ़िया बेहतरीन साफ सुथरी कंडीशन में है, सारे टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू नए हैं, डॉक्यूमेंट सारे अप टू डेट क्लियर मिलेंगे इसके। इसका जो आस्किंग प्राइस हमने रखा है ये 5 लाख की रेंज में, बाकी ऑन टेबल आपको डीजल नहीं, ये पेट्रोल वेरिएंट। रनिंग है जी इसकी 66,000 के करीब। 66,000 के करीब इस गाड़ी की रनिंग है। बाकी टायर्स की कंडीशन की बात करें, अभी थोड़ी बारिश हुई है तो उसकी वजह से टायर थोड़े गंदे हैं, बट कंडीशन की बात करें तो लगभग 85% में नहीं यहाँ पे आपको चारों टायर्स इस वरना में मिल जाएंगे। एक बार मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर भी चेकआउट करवा देता हूँ। यहाँ से आप इस वरना का इंटीरियर देख सकते हो, इंटीरियर से भी गाड़ी साफ सुथरी कंडीशन में है और अच्छी कंडीशन में ये वरना जो होगी वो आपको मिल जाएंगे। तो मतलब ब्रांड न्यू कंडीशन में ही है टायर्स, है ना? तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, 90% रिमेनिंग यहाँ टायर्स है, मतलब ब्रांड न्यू कंडीशन में ही आप इसको बोल सकते हो। बाकी ये कुछ बरना का हाल था। अब बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, जो कि है होंडा जैज। सर क्या डिटेल्स है? अनिकेश्वर 2015 मॉडल होंडा जैज टॉप एंड गाड़ी है ये। ठीक है, गाड़ी बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है, वाइट कलर जैसे कि आप देख सकते हैं, सारे टायर जो इसके भी ब्रांड न्यू नए हैं, डॉक्यूमेंट सारे अप टू डेट क्लियर है, टच पैनल बैकडोर कैमरा वगैरह सब कुछ इसमें कंपनी फिटेड जो है लगा हुआ है। 2015 मॉडल है, पेट्रोल वर्जन में ये भी गाड़ी है। और रनिंग की? रनिंग इसकी अनिकेश्वर को 60,000 के करीब है। ठीक है, इसका जो आस्किंग प्राइस जो हमने रखा हुआ है वो कोई 5 लाख की रेंज में है, बाकी ऑन टेबल इसमें जो है नेगोशिएशन हो जाएगा। बाकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह वो आपके प्रॉपर सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन सारी यहाँ पे उनकी पूरी होगी तो रजिस्ट्रेशन यहीं पे हो जाएगी, यहीं से सारा कुछ हम उनको लोन वगैरह फैसिलिटी अवेलेबल करवा देंगे। ये भी चीज़ है। बाकी यार कोई भी अगर आपको गाड़ी यहाँ पे पसंद आती है तो नीचे लाडी सर का नंबर मेंशन है, आप उनको कॉल कर सकते हो किसी भी गाड़ी की क्वेरी के रिगार्डिंग। सो दोस्तों अब बढ़ते हैं इस वीडियो की अगली गाड़ी की तरफ, जो कि टाटा जेस्ट। सर क्या डिटेल्स है? अनिकेश्वर ये टाटा जेस्ट जो है 2017 मॉडल है, डॉक्यूमेंट जैसे कि हमारी सारी गाड़ियों के कम्प्लीट होते हैं तो इसके भी सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट क्लियर है। 2017 मॉडल है, पेट्रोल वर्जन में है। ठीक है, और ये सेकंड टॉप मॉडल गाड़ी है, सिस्टम वगैरह इनबिल्ट लगा है, एयरबैग स्टीयरिंग मॉड्यूल कंट्रोल वगैरह सब कुछ इसमें भी आता है, जैसे कि ऑलमोस्ट आजकल सारी गाड़ियों में ही आ रहा है। बिल्कुल, तो इसका जो आस्किंग प्राइस अनिकेश्वर हमने रखा है कोई
4,50,000 की रेंज में है। बाकी नेगोशिएशन जो ऑन टेबल आपको भी पता है, इसमें भी पता है। बिल्कुल बिल्कुल। और रनिंग कितनी बताइए आपको इसकी? रनिंग यानी केशव की 47,000 के करीब, 7,000 के करीब ये चली हुई है। और फर्स्ट ओनर है? सेकंड? फर्स्ट ओनर। ओके ओके। तो गाड़ी जो है बढ़िया कंडीशन में, इंटीरियर से भी और एक्सटीरियर से भी। अब बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ। सो दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस वीडियो की अगली गाड़ी की तरफ, जो कि है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट विद डीजल इंजन। बाकी डिटेल सर से लेते हैं। सर क्या मॉडल अनिकेश्वर? ये 2018 मॉडल डीजल वर्जन में VDI स्विफ्ट न्यू शेप में। ओके। गाड़ी 50,000 के करीब करीब जो है वो चली हुई है। बाकी गाड़ी डॉक्यूमेंटेशन सारी अप टू डेट क्लियर है। बाकी आप खुद आराम से गाड़ी देख सकते हैं। बाकी गाड़ी को मैं अगर बताऊं कि गाड़ी एक्सटीरियर से जो है काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है, और इस गाड़ी का बम्पर तक जो है ना वो भी पेंट नहीं है, ऑल ओरिजिनल कंडीशन में ये गाड़ी जो है वो GB कार्स में अवेलेबल है। एक बार मैं आपको इस गाड़ी की रियर सीट्स जो है वो चेकआउट करवा देता हूँ। ये कुछ इस गाड़ी की रियर सीट्स आप देख लीजिए, कंपनी साइड से जो सीट्स आती हैं, सीट कवर्स जो आते हैं कंपनी साइड से, वो वाले सीट कवर्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीजल इंजन है इसमें, बाकी माइलेज जो होगी वो आपको बढ़िया आपको इस गाड़ी में जो होगी वो देखने को मिल जाएगी। और एक्सटीरियर से भी खैर गाड़ी जो है वो काफ़ी बढ़िया कंडीशन में ही है। और अब जानकारी लेते हैं इस गाड़ी की डिमांड की। सर क्या डिमांड है इस गाड़ी की? यानी कि ईश्वर इसका जो आस्किंग प्राइस है वो 720 की रेंज में, बाकी ऑन टेबल जो है नेगोशिएशन इसमें हो जाएगी। ओके ओके। सो 7,20,000 रुपये की इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है, बाकी नेगोशिएशन इसमें भी अवेलेबल है। सो बढ़ते हैं इस वीडियो की अगली गाड़ी की तरफ, जो कि है Hyundai की i20। सर क्या डिटेल्स हैं इसकी? अनिकेश्वर i20 सेम ऐसे हमारे पास एक पहले भी थी, वो आस्था ऑप्शनल थी, 17 मॉडल। ये जो है स्पोर्ट्स मॉडल में है मॉडल, ये भी 2017 है। इसमें अलॉय नहीं आते, बाकी टायर इसके चारों ब्रांड न्यू कंडीशन में, डॉक्यूमेंट सारे अप टू डेट क्लियर हैं, और चली भी जेन्युइन कोई 47,000 के करीब है। बाकी आप आराम से गाड़ी देख सकते हो, इंटीरियर देख सकते हो। तो सबसे पहले ना एक्सटीरियर तो आपने देख लिया होगा गाड़ी, मैं आपको इस गाड़ी का ना इंटीरियर दिखा देता हूँ फ्रंट से डैशबोर्ड। मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको टच पैनल जो होगा वो इंस्टॉल हुआ मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा कुशनिंग के साथ यहाँ पे ना सीट कवर्स आपको मिलने वाले हैं। मतलब काफ़ी बढ़िया कंडीशन में ये गाड़ी है, प्रॉपर मैटिंग वगैरह हो रखी है इस गाड़ी में, और एक्सटीरियर से और इंटीरियर से गाड़ी बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है। एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं लाड़ी सर, ये अपना पेट्रोल इंजन है कि? पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन जी। ओके। और क्या डिमांड है इसके? अनिकेश्वर इसका जो आस्किंग प्राइस हमने रखा है वो 6,00,000 की रेंज में है, बाकी ऑन टेबल जो है नेगोशिएशन इसमें होगा, तो इस पे भी नेगोशिएशन जो होगी वो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं इस वीडियो की लास्ट गाड़ी की तरफ, हालांकि इनके पास और भी स्टॉक है, उसकी जानकारी जो है लाड़ी सर से लेंगे हम आराम से। पहले इस गाड़ी की तरफ चलते हैं। लाड़ी सर क्या डिटेल है? अनिकेश्वर 2018 मॉडल है, अल्टो K10 VXi, 29,000 किलोमीटर चली है, डॉक्यूमेंट इसके भी सारे अप टू डेट क्लियर है। आस्किंग प्राइस जो इसका है 4,20,000 की रेंज में है, बाकी ऑन टेबल जो है नेगोशिएशन इसमें हो जाएगी, आप आराम से गाड़ी देख सकते हैं। तो बाकी गाड़ी जो है एक्सटीरियर से काफ़ी बढ़िया कंडीशन में आपको मिल जाएगी, और मैं आपको कोशिश करता हूँ एक बार इंटीरियर दिखा दूँ इस गाड़ी का। टायर जो है यहाँ पे लगभग 75-80% के करीब मिल जाएंगे, बिकॉज अभी बारिश है हुई है तो उसकी वजह से टायर गंदे दिख रहे हैं। इंटीरियर से गाड़ी देख लो यार, इंटीरियर से गाड़ी काफ़ी उम्दा कंडीशन में है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ पे ना इस कार बाजार में आपको एक तो अच्छी कंडीशन वाली गाड़ी मिलेंगी ही मिलेंगी, बाकी हाई मॉडल वाली गाड़ियाँ जो होंगी वो आपको इस कार बाजार से अक्सर देखने को मिलती हैं। जो इस कार बाजार की हमने एक प्रीवियस वीडियो डाली थी पिछली, उसमें आप लोगों का काफ़ी बेहतरीन प्यार जो था वो हमें देखने को मिला था स्विफ्ट के लिए और भी बड़ी सारी गाड़ियों के लिए। और अब लास्ट में चलते हैं लाडी सर से और जानकारी लेते हैं और कौन कौन सा स्टॉक में उनके पास गाड़ियाँ जो है वो। सो ये जो आपने जितना भी स्टॉक देखा ये था GB कार्स जम्मू का, और बाकी कोई भी क्वेरी है तो लाडी सर का नंबर खैर नीचे स्क्रीन पे मेंशन रहेगा, आप उनको कॉल कर सकते हो। तो लाडी सर कोई और इन्फॉर्मेशन या कुछ आप कोई चीज़ बताना चाहते हो? अनिकेश्वर एक तो सबसे पहली बात, भाई हाथ जोड़ के सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो कॉल करने की टाइमिंग है वो आप सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जितनी भी कॉल करें मैं सब अटेंड करूँगा और रिप्लाई भी करूँगा। उसके बाद प्लीज़ ज़रा कॉल, कई बार रात को लोग 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक मुझे कॉल कर लेते हैं, उसके लिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे। बाकी जितना स्टॉक आपने देखा है इसके अलावा भी हमारे पास इंक्वायरी में काफ़ी सारी गाड़ियां हैं जो हम यहाँ नहीं मंगवा सकते पार्क एंड सेल के लिए, बिकॉज ऑफ हमारे पास स्पेस नहीं है, यहाँ खड़ी करने की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो आप हमें बताएं आपको गाड़ी कौन सी चाहिए, हम आपके लिए अवेलेबल यहाँ पे गाड़ी करवा देंगे और जो भी बनती डील होगी वो करवा देंगे। वैसे तो अभी जो स्टॉक में आपके पास पीछे जो गाड़ियाँ पड़ी हैं कोई थोड़ा सा उनका बता दीजिए थोड़ी डिटेल। अभी हमारे पास अनिकेश्वर जो आने वाली पाइपलाइन में गाड़ियाँ, होंडा सिटी हमारे पास 3 आ रही हैं, 2015 मॉडल, एक 2011 मॉडल है,
ये ऑन आ रही है, और ऑटोमेटिक में मेरे पास काफी लोगों की इंक्वायरी रहती है कि ऑटोमेटिक में छोटी गाड़ी चाहिए, तो ऑटोमेटिक में हमारे पास ऑल्टो केटन आ रही है, ऑटोमेटिक में हमारे पास ग्रैंड नियोज जो है वो आने वाली है, और काफी सारी इस टाइप की गाड़ियां जो हमारी पाइपलाइन में है वो आएंगी। तो मोस्टली हो सकता है कि अगर वो गाड़ियां अगर इनके पास जल्दी आ जाएंगी तो मे बी इस वीक में एक और ब्लॉग जो होगा वो आपको जीबी कार्स के एंड से देखने को मिल जाएगा स्टॉक पे, तो वो भी मैं आपको बताऊँ। बाकी अगर आपकी कोई तो आप कॉल कर देना, और बाकी तो रजिस्ट्रेशन का हमने इनको बता दिया, वो भी आप एक बार फिर से क्लियर कर दो जो नई ऑडियंस। आजकल जो मैंने कह दिया सबसे पहली बात है कि दोनों पार्टीज को आरटीओ में प्रेजेंट होना पड़ता है, इसमें तो कोई वो वाली बात है नहीं, तो वो हमारे एंड पे लड़का जाएगा आरटीओ में, दोनों पार्टियों को प्रेजेंट करवा के डॉक्यूमेंटेशन सारी जो है पूरी करवा के रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगी प्रोसेस। ठीक है, और लोन की फैसिलिटी तो हमारे पास अवेलेबल है ही है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है, बाकी जो भी हमारी कार्स के रिलेटेड जो भी होगा वो सब यहाँ प्रोटेक्टेड है, बहुत सारा कुछ है। तो बाकी 15 अगस्त आ रहा है तो उसके लिए कोई एएसआर जम्मू ब्लॉग की तरफ से आप नहीं भी कहते तो मैं ये कहने वाला था कि एएसआर ब्लॉग की तरफ से यूट्यूब की तरफ से अगर कोई भी यहाँ पे आ रहा है तो 15 अगस्त तक कोई भी गाड़ी हमसे ले पेट्रोल या डीजल, हम उनको जो है पेट्रोल या डीजल कोई भी होगा टैंक फुल की फैसिलिटी देंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट टैंक फुल रहेगा। तो भाई ये चीज देख लो, जो भी आपका मतलब डिमांड, जो भी आपकी प्राइस जो फिक्स होगी ना यहाँ पे लेने के लिए उसी में वो रहेगा ना, तो ये चीज है, ये चीज आप देख सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हैं। आप ये सिर्फ 15 अगस्त तक है और रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ एएसआर ब्लॉग की तरफ से आएगा तभी, तो ये चीज है, एएसआर कंडीशंस अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई रहेंगी यहाँ पे। तो बाकी खैर वीडियो आपने अगर एंड तक देख लिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, एंड फेसबुक पे भी चैनल को शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी जो फैमिली है वो बढ़ती रहे। और लाड सर इसके अलावा कुछ और कहना चाहते हैं आप? बस ऐसे ही प्यार देते रहें, गाड़ियां लेते रहें, हम भी खुश रहें, आप भी खुश रहें। नमस्कार, और इसी के साथ मुझे दीजिए, थैंक यू।